हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हैप्पी करवा चौथ सभी को ही। तो आज अभी बजे हुए हैं मॉर्निंग के 5 o'clock का टाइम है अभी, और अभी हम करेंगे खाएंगे पहले सरगी। मम्मी ने सरगी बना रखी है, पहले मैं जाकर खाऊंगी सरगी, फिर उसके बाद मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे सेलिब्रेट करते हैं हम अपने घर पर करवा चौथ। तो मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जानने के लिए कि हमने कैसे सेलिब्रेट किया। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द रावत फैमिली ब्लॉग्स। चलिए तो फ्रेंड्स, ये रही सर गई, अब मैं ये खाऊंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा सुबह मैंने सब्जी खा ली थी, और फिर उसके बाद हमने रेस्ट किया कि सुबह तो जल्दी क्या करते हैं। अब मैं अपनी थाली सजा रही हूँ, मम्मी की और अपनी दोनों की। वेदू, आपने हाय नहीं बोला सबको? बोलो मासी को देख के, मासी को देख के हाय बोलो कैमरे में, बोलो। सो फ्रेंड्स, थाली मैंने रेडी कर ली है, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या पहनूंगी। ये है मेरी ड्रेस, मैं आपको दिखाती हूँ और फाइनल लुक मैं पहन के ही दिखाऊंगी। कमेंट करके बताना कैसी लगी है, मैंने खुद डिजाइन कराई है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट में करके जरूर बताना आप मेरे को कैसी लगी आपको ये ड्रेस। ठीक है, इसके नीचे है ये शरारा और इसका ये है दुपट्टा। फाइनल लुक में जब जैसे रेडी होंगी ना तो आपको पता चलेगा कि कैसे लगेगा ये। और ये है मेरी चूड़ियाँ, ये मैंने खरीदी है उत्तम नगर से, वहाँ पे कांच की चूड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती है। रजौरी में ये मेटल मिलता है, कांच नहीं मिलता, नहीं तो हम रजौरी से लेते। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैं हो रही हूँ रेडी, फिर मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी कि कैसा लगेगा ये सारा सूट और ये सब कुछ पहन के। सो फ्रेंड्स, अब मैं हो गई हूँ रेडी, ये है मेरी फाइनल लुक। कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी मेरी ड्रेस। तो अब हम चलते हैं, अब हम करेंगे कहानी पढ़ेंगे, और हमारी पूरी फैमिली इकट्ठा होएगी और वो हम सब मिलके इकट्ठा कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, बड़ा मजा आएगा, आप भी चलिए मेरे साथ और बने रहे मेरी वीडियो में लास्ट तक। फ्रेंड्स चलिए चलते हैं कहानी पढ़ने। बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा, सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएंगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जेल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आ रहा है।
अड़क दे लो। तो उसकी भाभी बोली ये तो तेरा चांद निकला, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोली, 3 बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहना कर ही ससुराल से भेज दिया। माँ ने लड़की के पल्ले में 1 सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहागा आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहागा आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननंद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी गई। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास ननंद बंदे के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसन ने कहा, सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं। अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला चांद की जैसी ही रोशनी कर दी। तो फ्रेंड्स, जिनका फर्स्ट करवा चौथ होता है उनके घर से लोटे और करवे आते हैं, तो अब यही रस्म चल रही है यहाँ पे। तो लास्ट ईयर इन दोनों की शादी हुई थी, तो अब फर्स्ट करवा चौथ है। तो अब सो फ्रेंड्स, कथा हो गई हमारे अच्छे से। अब मैंने आके चेंज कर लिया क्योंकि मुझे करनी है कुकिंग। तो यहाँ मैंने इसमें रख दिया है राजमा बॉयल होने। यहाँ पे मैंने राजमा का पेस्ट रेडी कर लिया और यहाँ पे मैंने कर लिया आलू गोभी का भी पेस्ट रेडी। ये कट करके रख दिया आलू गोभी। अब इसको हम बस फ्राई करनी है हमें। तो चलिए मिलते हैं आगे ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, अब निकल आया है चांद।
तो हम अभी जा रहे हैं ऊपर चांद को पानी देके फिर अपना व्रत खोलेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, यही करती हूँ मैं अपने आज की वीडियो एंड। कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द फैमिली बॉक्स। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।